पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद में घुसकर हिंसा पर उतारू हो गए हैं। श्रीनगर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा रेंजर्स को गाड़ियों से कुचल दिया है, जिसमें चार पैराट्रूपर्स की मौत की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो अब तक हिंसा में 6 सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं और 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए अनुच्छेद 245 के तहत सेना को बुलाया गया है और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से प्रदर्शनकारी डी चौक की ओर बढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद जैसी प्रमुख इमारतों के पास है। प्रदर्शनकारियों ने शिपिंग कंटेनरों और बैरिगेट्स को भारी मशीनरी की मदद से हटा दिया है। तो वहीं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और मुख्यमंत्री अली अमीन का गंदापुर के नेतृत्व में मार्च जारी है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोध का दावा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा बढ़ती ही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांस्टेबल मोहम्मद मुबशीर बिलाल, जिन्हें इस्लामाबाद में तैनात किया गया था, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उपद्रवियों की हिंसा के कारण घायल हो गए। इसमें यह भी कहा गया है कि सरगोधा पुलिस का एक अन्य कांस्टेबल उपद्रवियों की ओर से की गई गोलीबारी के कारण घायल हो गया है और उसका इलाज भी अभी किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने इन हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए दोषियों को सजा देने का आदेश भी दे डाला है। तो वहीं गृह मंत्री ने भी चेतावनी दी कि हिंसक प्रदर्शनकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने समर्थकों से अपील की है कि वो राजधानी पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। उन्होंने इसे केवल इमरान खान की रिहाई का मुद्दा नहीं बताया, बल्कि देश और उसके नेतृत्व की लड़ाई बताया है। उनका कहना है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। देश भर में अशांति फैलने से सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रदर्शनकारियों के हिंसक तेवर और सुरक्षा बलों की सख्ती से हालात और भी गंभीर होते गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय अपने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सोमवार को बताया कि देश के कई हिस्सों, खासकर इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और 70 से भी ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं, जबकि कई कर्मियों को बंधक बना लिया गया है। इस्लामाबाद में प्रवेश करने और कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों जैसे कि प्रेसिडेंसी, पीएम कार्यालय, संसद और सुप्रीम कोर्ट के करीब मौजूद डी चौक पर धरना देने के उनके प्रयास को विफल करने के लिए अधिकारियों की तरफ से कड़े प्रतिरोध के बीच रास्ते में रात भर रुकने के बाद इमरान खान के समर्थकों ने सोमवार को इस्लामाबाद की ओर से मार्च फिर शुरू कर दिया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने 13 नवंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया, जिसमें उन्होंने जनादेश की चोरी, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे तानाशाही शासन मजबूत हुआ है। तो वहीं पीटीआई के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस्लामाबाद जाते समय पुलिस के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों पीटीआई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और 3000 से भी ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इस्लामाबाद की ओर लंबा मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक पीटीआई संस्थापक इमरान खान और अन्य राजनीतिक कैदियों की जेल से रिहाई नहीं हो जाती और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहाल नहीं हो जाती। बता दें कि अब इस हिंसा और अशांति का पाकिस्तान की छवि पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। इमरान खान के नेतृत्व में से ये विरोध प्रदर्शन देश की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये देखना बाकी है कि सरकार स्थिति से कैसे निपटती है और क्या इमरान खान के समर्थक अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।